वो स्टेरॉइड जो फैट बर्न करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। 5, 6 चैलेंज यू दैट कि आपके मसल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आजकल जो लड़के एकदम मतलब मुंह सूज रहा है, ये सूज रहा है, वो सब वो मत करो यार। आप स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप कंपल्सरी है अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। इन्हें मात्र से नहीं होता, करने से होगा। एक ऐसे तत्व के बारे में जो आपको फैट बर्न में बहुत फायदा देता है, प्लस MG कैफीन है। कैफीन आपकी बॉडी के अंदर करता क्या है? FSSAI, तो प्लीज उस पर आवाज उठाएं, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। घर की अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छे ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, दालें लेते हैं, सोयाबीन, अचीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो हे गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत करते ही आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो बहन भाई के प्यार का पर्व है उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और 15 अगस्त की सजावट अभी तक हमारी जिम में है, देश का सबसे बड़ा पर्व था वो। सो आज करते हैं ट्राइसेप्स का वर्कआउट। व्लॉग होने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 वर्कआउट्स टू गेन योर ट्राइसेप साइज विद लीन क्वालिटी ऑफ मसल। तो अगर आप गेन करना चाहते हैं, वो बल्कि गेनिंग ना अच्छी होती है, उसका एक अलग पैटर्न है। लेकिन आजकल जो लड़के एकदम मतलब मुंह सूज रहा है, ये सूज रहा है, वो सब वो मत करो यार। आप बॉडी बिल्डिंग और थोड़ा सा ये जो चीप काइंड ऑफ जॉब करते हैं ना, ये गलत है। गलत सामान बॉडी में मत डालो, अच्छे तरीके से वर्कआउट करो, अच्छा खाओ, स्वस्थ खाओ, हेल्दी दिखो, ये सब मतलब ईट हेल्दी बी हेल्दी। तो चलिए वर्कआउट करते हैं ट्राइसेप्स का। हम ट्राइसेप्स के वो वर्कआउट लेंगे जिससे आपका ट्राइसेप्स ज़्यादा लीन काइंड ऑफ मसल शो होगा। तो अगर आप इस वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करते हैं, आप किसी की सलाह अवश्य ले लें आपके हेल्थ प्रोफेशनल की। और अगर आप मेरी मानने से करते हैं तो 4 वीक्स ट्राई करके देखिए। आई एम लिटरली चैलेंज यू दैट कि आपके मसल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज द फर्स्ट वर्कआउट फॉर ट्राइसेप्स। वार्म अप आप पहले ज़रूर लें। अगर आप बिना वार्म अप के वर्कआउट करते हैं, आई एम अगेन टेलिंग यू, मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ, आपकी बॉडी से खिलवाड़ ना करें आप। स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप कंपल्सरी है अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, वरना कहीं इंजरी होगी और कहीं आप भी फिजियोथेरेपी और इन सब में लग जाओगे। दिस इज वार्म अप सेट, लाइट वेट से ले, और लाइट वेट आपकी क्षमता अनुसार है। यहाँ पूरा लाना है, पूरा ऊपर तक मसल, पूरा टीयर अप बिल्कुल ऊपर तक खिंचाओ आगे, और उसके बाद नीचे डाउन। यहाँ लाना है, रोकना है, फिर अगेन बैक स्ट्रेट। वार्म अप सेट जो आपके 10-12 रेपिटेशन होंगे वो बड़ा मेजर होंगे, और आपको लेने हैं इसके 4 सेट। और इतना अल्टीमेट वर्कआउट होने वाला है, एंड तक देखें। स्टेरॉइड्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड में, मैं वो स्टेरॉइड जो फैट बर्न करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अब है मेरा लास्ट सेट, तो आपको बनाना है ड्रॉप सेट। यहाँ आपके साथ एक बड़ा ट्विस्ट है, मसल्स को मतलब ऐसे कोई भी चीज़ का हैबिचुअल नहीं बनाना। सिंपल आप वर्कआउट कर रहे हैं, वो रेडी है उस दबाव के लिए, क्योंकि माइंड कनेक्शन बन जाता है और मसल को पता है कि अब मुझे टूटना है, लेकिन अचानक शॉक जरूर दें आप उसको। तो चलिए अब हम करते हैं ड्रॉप। एक भाई जरूर तैयार रखें जो आपको मदद कर दे, वरना खुद भी कर सकते हैं। वेट अपनी क्षमता अनुसार। 1, 2, 3, 4, 5 6 दो प्लेट घटा। यहाँ आपको जो स्टोर एनर्जी ना अंदर की, ऐसी किक मतलब अंदर से मसल पे इतना ज़्यादा जलन होती है। 1, 4, 5, 6, 2 प्लेट कहने मात्र से नहीं होता, करने से होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 18 रैप हो चुके हैं। अभी जो 4th होगा उसमें कोशिश करनी है कि 8 to 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओ बस। और यहाँ आपके साथ जो मेज़र आप जो नज़रअंदाज कर देते हैं चीज़, आप पोजिंग भूल जाते हैं। पोजिंग ज़रूर करें इतने इंटेंसिवली वर्कआउट के बाद। ये ब्रीथिंग अब नॉर्मल होना ना, लोहे के साथ कुश्ती लड़ने आ रहे हो आप, तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। सो दिस इज सेकेंड वर्कआउट। यहाँ कानों के पास है ना, यहाँ आपको एल्बो को अपनी लॉक करना है एंड जस्ट बैक एंड प्रेस। कोनिया अंदर की तरफ रख के प्रेस करना है।
ये था सेकंड वर्कआउट, और हर वर्कआउट के बीच में मैं आपको बोल रहा हूँ, पोजिंग को आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपको एक दिशा देनी है अगर मसल को, जिस तरीके से आपने मसल टीयर किया, मसल को तोड़ा वर्कआउट करके, उसके बाद जब आप पोजिंग करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ हिट करता है जहाँ आपको ज़रूरत है, तो ज़रूर पोजिंग करें, फ्लेक्स करते रहें। मिलते हैं थर्ड वर्कआउट में, और अब है बारी मेरे थर्ड वर्कआउट की। जो थर्ड वर्कआउट आपको लेना है रिवर्स ग्रिप से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये वो वर्कआउट है, अगर आप इन वर्कआउट्स को करते हैं इसी तरीके से करते हैं, एक महीना आप फॉलो करके देखें, एक्चुअली फर्क आएगा। और मैंने आपसे वादा किया था कि इस ब्लॉग के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, एक ऐसे तत्व के बारे में जो आपको फैट बर्न में बहुत फ़ायदा देता है, तो उसका नाम है कैफीन। कैफीन हम नॉर्मली जो कॉफ़ी पीते हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी कोई भी, तो उसके अंदर जब हम लेते हैं तो 52 एक सर्विंग के अंदर में 50 to 60 mg हमें मिलता है। लेकिन हम जो प्री वर्कआउट्स लेते हैं उनमें 200 से 400 की कैटेगरी के बीच में होता है, जैसे कि एक बहुत पॉपुलर वो रेड सा डब्बा है, साइकोटिकली हिला देता है वो, उसमें 432 के करीब है अभी लिटरली, मतलब जितनी अभी एक दो लोगों ने टेस्ट कराया तो ऐसा दिखा, मैंने कराया नहीं तो मैं किसी का ऐसे नाम लेकर टैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे प्री वर्कआउट हो जो 400 अबव दे रहे हैं, जो इंडिया से बाहर प्री वर्कआउट मिलते हैं, कुछ प्री वर्कआउट, सभी में नहीं कह रहा हूँ मैं, उनमें 400+ mg कैफीन है। कैफीन आपकी बॉडी के अंदर करता क्या है, कैफीन आपकी बॉडी के अंदर में जाने के बाद आपको एनर्जाइजर कर देता है, आपके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस फास्ट होती है, आपका जो माइंड फोकस है वो बहुत फास्ट हो जाता है, आपको एनर्जी मसल्स के अंदर ज़्यादा महसूस होती है, आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ता है, जिन्हें बीपी की शिकायत है वो ना लें अधिक मात्रा में कैफीन, लेकिन जब एक्सरसाइज से पहले हम उसे लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, बीपी थोड़ा सा अप हो जाता है, मेंटली फोकस आपका ज़्यादा बन जाता है, एंड्योरेंस अंदर से ज़्यादा बाहर आता है, तो इतने सारे फायदे हैं। जब आप ये वर्कआउट के शुरुआत में लेते हैं तो आप लंबे समय तक वर्कआउट कर पाते हैं, दैट विल हेल्प यू टू लॉस योर फैट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट वर्क करता है और आप अच्छा कार्डियो कर पाते हैं, अच्छा वर्कआउट स्टेटस अपना निभा पाते हैं। तो कैफीन आपकी बॉडी में फ़ायदा देता है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में अगर लिया गया तो उसका नुकसान क्या है, अधिक मात्रा में अगर आपने ले लिया, जो FSSAI की जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें उन्होंने कहा है कि एक दिन के अंदर में अगर आप 300 mg से ज़्यादा ले लेते हैं तो देट विल हार्म यू, तो आपको हार्म करेगा, लेकिन प्री वर्कआउट्स बहुत ज़्यादा चीट भी कर रहे हैं, तो अगर आपकी नज़र में ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ उस पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। और आप, मेरा अनुमान है 150 से 200 mg ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा एक मतलब इंटीडेंट है, जिसे इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी में अच्छा इंड्योरेंस, अच्छा सब कुछ देगा। तो ये था आज का टिप और वर्कआउट, मिलते हैं इसके बाद फोर्थ वर्कआउट पे। तो ये है आपका फोर्थ वर्कआउट, आप टेबल पे भी हाथ रख के ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट। अभी जब मैंने ड्रॉप लिए ना तो मसल इतना भर गया, एक्चुअली ये अपना बॉडी का हाफ वेट है जिसे मैं पुश कर रहा हूँ, और वो भी नहीं हो रहा, उसमें भी ऐसा कंपन आ रही है। तो इसे पहचान कहते हैं कि आपका जो वर्कआउट है किया हुआ सही दिशा में जा रहा है, मसल आपकी पूरी ब्रेक डाउन हो रही है। और अगर आपको लीन गेन करना है, जैसे आज हमने लीन ट्राइसेप्स के लिए वर्कआउट डाला है, आप प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ाएं, प्रोटीन डाइट लें, ज़रूरी नहीं किसी सप्लीमेंट से, ज़रूरी नहीं है किसी एक्सटर्नल फॉर्म में आप लें, अगर आप घर की अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छे ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, दालें लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं वेजिटेरियन बेस पे, और अगर आप नॉन वेज हैं तो आप एग्स लेते हैं, मीट फॉर्म में लेते हैं, तो आपका गोल अचीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिना इन सब चीज़ों के है आसान, लेकिन बहुत लंबा सफ़र है। अगर आप ये सब चीज़ें एक्चुअल अमाउंट जितनी आपको ज़रूरत है उसमें लेते हैं तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो चलिए आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। मैंने चार वर्कआउट आपको ऐसे दिखाए जिन्हें आप फॉलो अप करते हैं तो आपकी ट्राइसेप्स लीन काइंड ऑफ मसल आप गेन कर सकते हैं। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में प्यार दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।